आदिवासी मुख्यमंत्री नेता बन गए उ कहल कि हम देव साल में 5 लाख नौकरी ते कहल कि सरकारी भत्ता देव 5,000 करके कहलो ग्रेजुएशन वाला देव पैसा सरकारी भत्ता के तौर पर ना वो सरकारी भत्ता दिलो ना 5 लाख नौकरिया दिलो। आप लोग कहो कि सुअर और बकरी पाल तो हमारी पाल लेकी कि बीटेक करके कि हमने सुअर और ये पालबो। जैसे कि जयराम माता ने आह्वान किया है 9 तारीख को मसाल जुलूस होगा और 10 और 11 दो दिन झारखंड बंद रहेगा, तो आप हमको ये बताइएगा आप जो अभी जुलूस निकाल रहे हैं जुगीतबा से लेके बनागुड़िया तक, तो क्या जुगीतबा और बनागुड़िया कल और परसों बंद होगा? एकदम बंद होगा, उससे बंद होगा क्यों नहीं होगा, सारे दुकानें बंद रहेगी एकदम, 10 और 11 तारीख को एक भी दुकान खुली नहीं रहेगी। तो जवाहर साथियों हम लोग जो मसाल जुलूस निकाले जुगीतबा से लेके बनागुड़िया तक, तो अभी हम लोग का मसाल जुलूस यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी हम अभी आ चुके हैं और ये जो मसाल जुलूस हो रहा है 740 नीति के खिलाफ हो रहा है, तो आइए हम जानते हैं कि ये 740 नीति क्या है और क्यों स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ते हैं, आइए। हाँ तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है रोहित माथो। और आपने आप जो ये मसाल जुलूस निकाल रहे हैं 740 नीति के खिलाफ, तो सबसे पहले हमको बता दीजिए कि 740 नीति है क्या? देखिए 740 देखिए एकदम सिंपल सी भाषा में, देखिए 7% वो तो जो झारखंड में संवैधानिक अधिकार है वो तो जितना अधिकार मिला हुआ है जिसको एसटी है, इसमें एसटी की कैटेगरी आता है, एससी आता है, ओबीसी कैटेगरी आता है और कुछ और बाकी जो ये आता है बाकी जो देखिए 7 तो ये लोग हो गया रिजर्वेशन वाला, और जो 40% जो है ना वो पूरे झारखंड में सिर्फ सामान्य कैटेगरी का नहीं है, ओपन फॉर ऑल। हाँ ओपन फॉर ऑल, वो पूरा ऑल इंडिया के लिए। देखिए झारखंड का वैकेंसी में एक भी वैकेंसी में नहीं देखेगा कि भारत के नागरिक के साथ झारखंड के स्थानीय निवासी होना चाहिए, और यही वाला दूसरा के स्टेट के जब वैकेंसी आता है उसमें विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भारत का नागरिक होने के साथ, जैसे कि बिहार का होगा तो बिहार का स्थानीय निवासी होना चाहिए, उड़ीसा का होगा तो उड़ीसा का स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो फिर झारखंड में से दो नीति कहे भाई, झारखंड के सबके बाप के चारा घर लगे कि यहाँ भी कोई भी आते यहाँ पर राज जमा के चल जीते, हम भी झारखंड है किधर कहाँ जीते, जब बात करें झार सरकार है। और हेमंत सर जब कहते रहो कि हमें ये लगे आदिवासी हमें ये लगे हो नेता, वो खुद आदिवासी जब नेता मुख्यमंत्री बनने हमने क्या तब हमने बेसी छोड़ा आदिवासी में गोती बनने के नेता, आदिवासी मुख्यमंत्री नेता बन गए वो कहल कि हम देव साल में 5 लाख नौकरी ते कहल कि सरकारी भत्ता देव 5,000 करके कहल ग्रेजुएशन वाला देव पैसा सरकारी भत्ता के तौर पर ना वो सरकारी भत्ता दिलो ना 5 लाख नौकरिया दिलो। आप लोग कहो कि सुअर और बकरी पाल तो हमारी पाल लेकी कि बीटेक करके कि हमने सुअर और ये पालबो। ऊपर से झारखंड में जेई का एग्जाम भेलो अभी उसमें पता चलो कि सब क्वेश्चन तो अरे झारखंड में जय के पहले जूनियर इंजीनियर का पार हुआ है ठीक है, उसमें जब अच्छा एग्जाम जाता है गरीब छात्रों का तो उसमें पता चलता कि ये नौकरी तो वैकेंसी तो ये तो सेटिंग हो गई, तो क्वेश्चन वगैरह वायरल भी हो गया था, आंसर शीट वगैरह भी वायरल होते, आप लोग तो देखे किए थे हाँ, तो उसमें भी देखिए इतना तो झारखंड में उत्तराखंड के तर्ज पर क्यों नहीं जो चीट जो कानूनी तौर पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है कि जैसे कोई मान लो कोई फ्रॉड करता है उसको एकदम सख्त कानून बनाना चाहिए झारखंड में भी उत्तराखंड के तर्ज पे, क्यों नहीं बनाता है? हाँ तो अभी जो फिलहाल चल रहा है जैसे कि जयराम माता ने आह्वान किया है JSSU के तौर पे, उन्होंने बताया कि 9 तारीख को मसाल जुलूस होगा और 10 और 11 दो दिन झारखंड बंद रहेगा, तो आप हमको ये बताइएगा आप जो अभी जुलूस निकाल रहे हैं जुगीतबा से लेके बनागुड़िया तक, तो क्या जुगीतबा और बनागुड़िया कल और परसों बंद होगा? एकदम बंद होगा, उससे बंद होगा क्यों नहीं होगा, सारे दुकानें बंद रहेगी एकदम 10 और 11 तारीख को एक भी दुकान खुली नहीं रहेगी। अगर यहाँ के लोगों ने समर्थन नहीं किया तो मोड़ भी बंद रहेगा? एकदम समर्थन करेगा क्योंकि बिल्कुल करेगा, हम लोग की झारखंड की लड़ाई है, सबको समर्थन कर देगा और सभी समुदाय के लोगों को करना चाहिए, इसमें मेरे और आपके बीच का मामला नहीं है, तो पूरे झारखंड का मामला है, इसमें सभी समुदाय के लोगों को आना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए इस आंदोलन का, ताकि संपूर्ण तरीके से झारखंड बंद हो और हमारे यहाँ इलाका भी बंद हो संपूर्ण तरीके से, जुगीतबा बनागुड़िया मोड़ इधर भी हम लोग सोचे पोदाडी मोड़ उधर भी हम लोग बंद करेंगे जी। ठीक है थैंक यू सर। ठीक हाँ तो हाँ तो दोस्तों आए दिन हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन जब से आए हैं कुछ ना कुछ ऐसे कर ही रहे हैं, जैसे कि
जैसे कि खतियान आधारित नियोजन नीति वो लागू नहीं की। जब वो आए थे तो उस टाइम बता दें कि हम खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन अभी तक वो खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं कर पा रहे। ऊपर से जो बाहरी भाषा जैसे कि मगही और अंगिका इस सबको डाल दिया था, फिर उसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। आज प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँच गया कि पूरा 5 सालों में जब तक हेमंत सोरेन का शासन कहाँ था तब तक झारखंड गरम रहा। गरम रहा मतलब झारखंड में खाली आंदोलन होते रहा, और आने वाले साल में कुछ समय बाद इलेक्शन भी है। तो आज देखते हैं कि हेमंत सोरेन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इतना ही बोल के मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय झारखंड।